जोहार जय मूल निवासी, मैं रविंद्र राणे, आप देख रहे हैं MNTV। जोगेंद्रनाथ मंडल ने भारत के संविधान को आकार दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनने रोकने में प्रभावकारी भूमिका अदा कर इस देश को बड़ी आपदा से बचाया। आज जो धर्माधिष्ठित पाकिस्तान के हालात हैं, वैसे हालात भारत के आज़ादी के बाद से ही शुरू हो जाते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के 1946 में संविधान सभा में चुनकर आने से बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। डॉक्टर अम्बेडकर के गृह प्रदेश यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अम्बेडकर चुनकर नहीं आए थे, बंगाल से चुनाव जितना एक संस्मरणीय घटना थी, जिसके दौरान कलकत्ता की सड़कों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और अराजकता और तनाव का माहौल बना रहा। डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधियों ने विधान परिषद के उनके एक समर्थक सदस्य को गैर कानूनी तरीके से स्थान में बंदी किया था। यह षड्यंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रचा था। डॉक्टर अम्बेडकर को उच्च सदन की सदस्यता ना मिले इसके लिए फील्डिंग लगाई थी, जहां बैठकर भारत के संविधान की कलाकृति तराशी जाने वाली थी। देश के 6 करोड़ अछूतों के साथ साथ आदिवासियों और पिछड़ों को अधिकार उस नए बनने वाले संविधान में छिपे थे। आज वही अधिकार है तो हम कुछ हद तक मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आवाज अपनी बुलंद कर सकते हैं, प्रतिकार कर सकते हैं। सरदार पटेल ने अम्बेडकर को विरोध करने का मोर्चा संभाला था, यह सब गांधी जी के कहने पर हुआ था। वैसे सरदार पटेल स्वयं पिछड़े वर्ग के थे। आज जैसे बहुत सारे पिछड़ों को पिछड़े होने का एहसास नहीं था, वैसे सरदार पटेल जी को भी एहसास नहीं था। गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा कि ये कहो कि संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, उसकी खिड़कियाँ भी डॉक्टर अम्बेडकर के लिए बंद है। हम देखते हैं कि वे संविधान सभा में कैसे प्रविष्ट होते हैं। इतना द्वेष डॉक्टर अम्बेडकर का गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल जी करते थे। कांग्रेस ने बम्बई यानी आज के मुंबई में उनके कांग्रेस अधिवेशन में अपने सबसे धूर्त रणनीतिकार और जोड़ तोड़ में माहिर नेता किरण शंकर राय को डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में बंगाल के विधानसभा में खड़ा किया था। उनकी संविधान सभा की सदस्यता ना मिले इसके लिए टिकट दिया था। बंगाल के साथ साथ सारे भारत के ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत तो अछूतों को अधिकार देने के पक्ष में कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। राजनीतिक परिपक्वता, पक्के इरादे और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए बारिसाल जिले में यानी आज का वो बांग्लादेश में है, वहाँ के नमोशुद्राय वकील जोगेंद्रनाथ मंडल ने डॉक्टर अम्बेडकर को पूर्वी बंगाल से यानी जस्सोर खुलना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई से चुनाव हार गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वह प्रदेश अध्यक्ष थे और विधान परिषद में एकमात्र शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य थे। जोगेंद्रनाथ मंडल के नेतृत्व में नमोशुद्राय, राजवंशी और आदिवासियों के वोटों से अम्बेडकर संविधान सभा में एंट्री कर रहे थे। इस तरह भारत के संविधान का एक चमकदार पृष्ठ लिखा जा रहा था और वो केवल जोगेंद्रनाथ मंडल की वजह से हुआ। जोगेंद्रनाथ मंडल के समग्र जीवन का विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि यह भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि वह उनका समर्थन न कर उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए बाध्य किया। लेकिन उनकी लड़ाई अनुसूचित जाति के हुंकार की लड़ाई थी, अनुसूचित जाति के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। 11 अक्टूबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना के निधन के बाद वहाँ की मौजूदा सरकार का रुख पाकिस्तान में बसे हुए गैर मुस्लिमों के विरोध में था, वो अच्छा नहीं था। वैसे तो भारत में अनुसूचित जाति के लोग हिंदू होने पर भी उनके साथ भारत सरकार का रुख पहले से भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अनुसूचित जातियों का हुआ था। दंगे की इस विभीषिका को जोगेंद्रनाथ मंडल सहन कर नहीं पाए और वो 1950 में मंत्री पद से त्याग पत्र देकर भारत के पश्चिम बंगाल में आ गए। यहाँ वो बंगाल में आकर डॉक्टर अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम करते रहे। अक्टूबर 1968 में पार्टी का प्रचार कार्य करते हुए उनका आकस्मिक देहांत हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर की लेखनी में उनकी मेधा, विद्वत्ता और गहन शोध प्रतिबिंबित होता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग अम्बेडकर से घृणा करते थे। अम्बेडकर सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर जिस तरफ तर्क रखते थे उनका प्रतिउत्तर न उन वर्गों के पास नहीं था। उस कारण डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उनके मन में कटुता भाव में दिनों दिन वृद्धि हो रही थी। अम्बेडकर जी ने 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
अछूतों के लिए अधिकार लाए थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने केवल अछूतों के लिए अधिकार नहीं लाए थे, आदिवासी पिछड़ों और महिलाओं के लिए अधिकार लाए थे। वो अधिकार प्रौढ़ मताधिकार, वन वोट वन वैल्यू, ये सारे अधिकार लाए थे। हमारे लोग बरसों से पंख होने के बावजूद गुलामी और गुमनामी में जीवन बसर कर रहे थे, उनके लिए खुले आज़ादी के गगन में उड़ने का मौका मिल रहा था। गांधी जी ने षड्यंत्र पूर्वक अछूतों के अधिकार छीन लिए। बाद में हजारों साल के बाद यह मौका डॉक्टर आम्बेडकर जी के संविधान सभा पर चुनकर जाने से मिल गया था। संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिसमें 31 यानी 31 अस्पृश्य थे। ये सभी प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए थे। विधानसभाओं और संसद में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे ऊंची जातियों के ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोगों के हितों के आगे झुक जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम लिया जाए तो बाबू जगजीवन राम था। उनका इस्तेमाल कांग्रेस ने डॉक्टर आम्बेडकर के विरोध में किया था। आज जैसे ब्राह्मण राष्ट्र की मोहर लगाने के लिए जिस प्रकार अनुसूचित जाति के रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया है और राष्ट्रपति बनाकर बहुजन समाज के अधिकार खत्म करने का काम चल रहा है। कल रामनाथ कोविंद जी ने ब्राह्मणों ने लिखा हुआ और रामनाथ कोविंद ने पढ़ा हुआ अभिभाषण सुना होगा। ब्राह्मणों ने इसीलिए उनके लिए काम पर लगाया है। हमारे बाबूजी यानी जगजीवन राम जी को उनकी इस भूल का एहसास अपने राजनीतिक जीवन के संध्याकाल में हुआ। उन्हें यह समझ में आया है कि सामाजिक कारक ही अछूतों का अभिशाप है। एक समृद्ध विद्वान अछूत को अन्य बहुजन समाज को भी उसी तरह से घृणा देखा जाता है कि जैसा कि एक गरीब अछूत को या गरीब बहुजन को, क्योंकि जाति ही ब्राह्मण धर्म का धर्म है। यह परिस्थिति आज भी नहीं बदली। संविधान सभा के लिए डॉक्टर आम्बेडकर को चुनकर बंगाल के अछूतों ने उन्हें एक मौका दिया कि पूरी दुनिया में भारतीय संविधान की निर्माता के रूप में पहचाने जा सके। यह निश्चित है कि अगर संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर नहीं होते थे तो हमारा संविधान मनु, याज्ञवल्क, पाराशर आदि कानूनों का मिश्रण होता। डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें इस आपदा से बचाया। बंगाल के अछूतों और पिछड़े जातियों के विधान परिषद सदस्यों ने आम्बेडकर को चुनकर उन्हें जीवन भर के श्रम को सार्थक करने का मौका महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल की वजह से मिला। कल उनकी जयंती यानी 29 जनवरी को थी और सारे देश में मनाई गई। इन महापुरुषों के जयंती पर एससी एसटी और ओबीसी, मुस्लिम, सिख और बौद्ध, लिंगायत धर्म के बहुजन समाज के लोगों ने एक लक्ष्य रखना चाहिए कि इस देश में स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय की तहरीक चलाना चाहिए। धन्यवाद।